Assalamualaikum and good morning. मैं अभी जा रहा हूँ एक कॉन्सर्ट में जो कि है लकी अली का. और आज का दिन इंटरेस्टिंग मेरे लिए है क्योंकि मुझे लकी अली को पहली बार सुनने का मौका मिलेगा लाइव. और अभी रिसेंटली लकी अली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहीं बैठ के अपने फार्म हाउस पे अपने गांव में कहीं पे वो गाना गा रहे थे. The way he hums, like you know, एक humming. सिर्फ ये जो है ना, बस इसी पे सारे पैसे सीखे. इसके प्राइस भी बढ़ा दिए बाय द वे. तो उन्होंने 100 ड्रम से टिकट शुरू किया था. Now this is 200 drums, so ticket के price ही बढ़ा दिए. इसका मतलब है कि कुछ तो you know अच्छा fancy हो रहा है वहाँ पे. एक बात ना दुबई की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी artist से मिल सकते हैं बहुत आसानी से, जो यहाँ पर आता है. of course मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी शाहरुख खान को बराह रास्त देख सकता हूँ, लेकिन यकीन करें देखा. तो यू नो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी यहाँ पर फैब में सोनू निगम परफॉर्म कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं सोनू निगम. आतिफ असलम ऑफ कोर्स पाकिस्तान से हैं, तो आप पाकिस्तान में देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को. इस तरह से श्रिया घोषाल और कुमार सानू, उदित नारायण जो 90s के बड़े सुपर हिट सिंगर्स थे, वो लोग आते हैं परफॉर्म करते हैं. और आए दिन यहाँ पर कोकोला अरीना में या डिफरेंट लोकेशंस पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपको ये लोग मिलते हैं, नजर आते हैं. इनके आप टिकट्स बाय करो और एपिक लाइव सिंगिंग का जो कॉन्सर्ट है वो अटेंड करें. मुझे एक रिकॉर्डिंग थी, अब मुझे याद आया कि मुझे एक रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, तो वो मैंने कर ली है. और अब मुझे नेक्स्ट जो है मेरा जो डायरेक्ट डेस्टिनेशन है वो है लाइव इन कॉन्सर्ट लकी अली इन दुबई. लगी हुई है अभी सब क्यू में खड़े हैं. जैसे ही 8 बजे दरवाज़ा खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा. अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 7:50. मैं यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और लकी अली आके नहीं दे रहा. समझ नहीं आ रही क्या करें. तेरी यादें आती हैं, तेरी यादें आती हैं. और कोई गाना आता है तुमको? लकी 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 लकी. 8:30 बजे आया हूँ मैं, 8 बजे एक्चुअली. और इस वक्त बज रहे हैं 11. Still not here. I don't know what happened. Bore ho gaya hu, bore. शो खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर पे. गेट टू सी हिम वेरी सून. 1 बज चुका है या यस देर हो गई है.
बाकी जो है कॉन्सर्ट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. आपको लगा होगा कि अचानक मैंने कॉन्सर्ट में ये कैसे चेंज कर ली. बेसिकली इस आब्दा परवीन्स हुडी और इस पे लिखा हुआ है तू झूम. तो ये मैंने अलिफ दुकान से परचेज की है. अगर आप भी लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ. यू कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम अलिफ दुकान. वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की हुडीज मौजूद हैं. और अब मैं चलता हूँ घर की तरफ. कॉन्सर्ट में ओवरऑल बहुत मज़ा आया, लेकिन जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि दे सेड के विल स्टार्ट बाय 8 और मैं 8:15 तक वहाँ पहुँच चुका था. शो शुरू हुआ 11 बजे. तो चूंकि ओपन एयर था, खड़े होकर आपने करना था, इसी वजह से मैंने हुडी भी पहनी. पहले मैंने वाइट टी शर्ट पहनी थी, बट मुझे लगा कि ठंड है तो मैं हुडी साथ लेके गया था. तो ठंड तो थी, सही था मौसम, लेकिन ये कि लोग आए हैं 9 बजे तक. पता इनको कैसे पता था कि शो शुरू नहीं होगा इतनी जल्दी. 11:15 बजे लकी अली आए हैं. मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि यार खड़े 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 थक गए थे, क्योंकि वो सीटिंग अरेंजमेंट तो था नहीं. ओपन एयर मिट्टी है, आपको चलना है. जो जीरो ग्रेविटी जानते हैं उनको पता होगा. तो ओपन एयर में चलना और फिर 2.5-3 घंटे आपको बैठने की जगह ना मिले, आप सिर्फ घूमते रहो, खा लो पी लो, क्या करो उसके बाद आप, यू नो. तो बस ये सिलसिला रहा. उसके बाद फिर हम जो है वो मैंने ये सोचा कि ठीक है अब नहीं है तो यही करेंगे, वेट करेंगे. 11:15 बजे वो आए. बाय द टाइम लाइक मेरा तो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, एनर्जी पूरी खत्म हो गई थी. लेकिन जब लकी अली ने गाना शुरू किया, वाह वाह वाह, तो मजा आ गया. वॉज फन. और जो जब वो गाना आया ना, मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे. वो वीडियो में आपने देखा होगा कि वो मैं सही तरह चला भी नहीं रहा था. जो ओ सनम का गाना है, इट्स लाइक कुछ और फीलिंग उसकी, कुछ और हिट करता है. सो बहरहाल ये था हमारा आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. ओ हाँ, एक बात बोलना भूल गया. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे. और अगर आपको अच्छा लगता है ये व्लॉग वाला सिलसिला तो उसको लाइक करें, ताकि मुझे पता हो जितने नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे तो मैं अपने आप को इनक्रेज कर सकूंगा कि मैं और मज़ीद व्लॉग बनाऊं. और कमेंट कर दें, बता दें अगर आपने देखा है तो, एक थम्स अप दे दें, हार्ट दे दें, कुछ भी दे दें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग देख रहे हैं. क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन उन व्यूज़ पे देख रहा है कोई, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं उसको कंटिन्यू करूँ. अगर अच्छा लग रहा है सिलसिला तो मुझे अच्छा लग रहा है बनाने में, तो मैं बना रहा हूँ. बट आपकी मर्जी है. हमारी तरफ से गुड नाइट है. अब फाइनल बाय. अल्लाह हाफिज़.